दोस्तों, आज तारीख है 5 अप्रैल 2023। हमने कल 4 अप्रैल 2023 को जो काली बादल आते हैं उसकी वजह से जो जमीन में पानी है उसमें क्या इफेक्ट होता है, इसका रिजल्ट हमने कल देखा था। आज भी यहाँ पर काली बादल है, आप देख सकते हैं ये पूरा काली बादल है। अभी हमने जो कल पानी की लाइन जो चेक की थी घर में, उसे हम आज फिर से चेक करेंगे और देखेंगे कि उसमें कुछ और फर्क पड़ा है कि नहीं। दोस्तों, कल 4 अप्रैल 2023 को जो हमने लाइन चेक की थी वो यहाँ पर थी। यहाँ पर कल थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिल रहा था नारियल को। अगर मैं लाइन को हाथ लगाता हूँ या पैर लगाता हूँ तो लाइन छोटी हो या बड़ी हो, नारियल मुझे सेम ही रिस्पॉन्स देता है, आपको तो पता ही है। कल थी तारीख 4 अप्रैल 2023, आज है 5 अप्रैल 2023। सिर्फ एक रात गुजर चुकी है और आज भी काली बादल है, तो देखेंगे हम आज इसमें और कितना इफेक्ट हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर कहीं पर वो एक पानी की लाइन थी जो हमने कल चेक की है। देखिए दोस्तों, मैं अभी हाथ उस लाइन के ऊपर से लेके जा रहा हूँ, देखते हैं कितना इफेक्ट हुआ है। दोस्तों, नारियल बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। दोस्तों, अकाली बादल की वजह से ये पानी की धारा पूरी की पूरी सूख चुकी है। देखते हैं, अभी नारियल तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अभी हम रॉड लेके चेक करके देखते हैं कि रॉड में कुछ रिस्पॉन्स मिलता है क्या। देखिए दोस्तों, रॉड में भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब जो पानी की धारा लगभग 1 से 1.5 इंच की थी उसको अभी जीरो पानी है, मतलब वो धारा पूरी की पूरी ड्राई हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ काली बादलों की वजह से। अगर इस पीरियड में आप अपनी बोर चालू रखते हैं और उससे पानी निकालते रहते हैं तो आपकी बोर चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के बेस पे ही मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों, ये काली बादल का जो परिणाम है इसका पार्ट 2 आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि काली बादल से जमीन में जो पानी होता है उस पर कितना बड़ा इफेक्ट हो